नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग VTSE JEE अपडेट, जूनियर इंजीनियर के 10,000 पदों पर बहाली, बिना परीक्षा के होगी बहाली। अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं, किस विभाग में 10,000 पदों पर बहाली निकल के आ रही है जूनियर इंजीनियर के, कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, कब से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो रही है, तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार में जूनियर इंजीनियर वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो किस विभाग में जूनियर इंजीनियर के 10,000 पदों पर बहाली निकल के आ रही है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए आज के पेपर में आया है PHED में 7,743 पदों पर होगी बहाली। सारी जानकारी इसमें लिखा हुआ है। PHED ने 7,000 से अधिक पदों पर बहाली की तैयारी पूरी कर ली है। विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि विभाग पर जलापूर्ति योजनाओं की जिम्मेदारी विभाग पर बढ़ी है। ऐसे में खाली पदों के अलावे नए पदों का सृजन करना जरूरी है। फिलहाल कार्य निरीक्षक के 1,124, नलकूप स प्लम्बिंग मिस्त्री के 2,239, इलेक्ट्रीशियन स मैकेनिक के 400, हेल्पर के 3,700, परिचारी के 280, यानी कुल 7,743 पद स्वीकृत करने की मांग सरकार से की गई है। इसे जल्द ही कैबिनेट भी भेजने की तैयारी है। नवंबर में हुई विभागीय बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा करें और कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है इस पर अगले प्रस्ताव देख लीजिए यहाँ पर दिया है, जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाने के लिए कह रहा है ताकि सरकार से नए पदों पर स्वीकृति ली जा सके। PHED में कनीय अभियंता के 929 पदों में से रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत है। इसके विरोध में 183 कनीय अभियंता कार्यरत है, 743 पद रिक्त है। वर्तमान में इन पदों पर कनीय अभियंता को लिया जाना आवश्यक है। इस कारण जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी में बाधा हो रही है। खाली पदों की बहाली जल्द करने की दिशा में विभाग ने काम शुरू किया है। जलापूर्ति योजना के विस्तार में सहायक अभियंताओं का रोल अहम है। तो दोस्तों देख लीजिए कितना पदों पर है, तो 7,743 पदों पर आपको वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। एक और वैकेंसी निकल के आ रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, ग्रामीण कार्य विभाग में 2,261 पदों पर होगी भर्ती। अभी लगातार वैकेंसी का सिलसिला बिहार में जारी है, हर विभाग में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें भी देखिए कन्या अभियंता का प्रमुख रोल है, इसमें 8 पदों पर कन्या अभियंता की नियुक्ति होगी जूनियर इंजीनियर के, उसमें हम आपको बताएं 743 कन्या अभियंता की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों अभी लगातार बिहार में हर विभाग में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसलिए जो विभाग की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको हर विभाग में वैकेंसी देखने को मिल रही है बिहार के अंदर। तो दोस्तों यही अपडेट निकल के आ रही है जो कि हम आए आपको बता चुके हैं, आयोग की आप समझ गए होंगे। तो विभाग के द्वारा जैसे ही वैकेंसी जारी किया जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी विभाग के द्वारा जो अपडेट निकल के आ रही है वही हम आपके अभी शेयर किया, आयोग की आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।